हमें बताया गया कि पार्किंग के लिए आगे स्थान है, वहां पे ही हम कार पार्क करेंगे। सामने पार्किंग स्थल दिखाई दे रहा है। हम पहुंच चुके हैं नाडा साहब गुरुद्वारा, हम पहुंच चुके हैं माता मनसा देवी मंदिर। मेन द्वार श्री माता मनसा देवी मंदिर। ये सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है। मेन गेट तो उधर है, हमने आपको दिखाया था, हम जाते हैं इधर से। यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए है, या एज्ड पर्सन है जो सीढ़ियों से ज़्यादा नहीं जा सकते, वो लिफ्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे लिफ्ट की प्रोविजन दी गई है। लिफ्ट से सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। माता मनसा देवी मंदिर मंदिर का परिसर कुछ इस तरह दिखाई देता है। माता के दर्शन करने के बाद हम वापस जा रहे हैं। हम जाएंगे लिफ्ट से। हम मत्था टेकने के बाद अब हम चले हैं गुरुद्वारा श्री नाडा साहब, जो यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूरी पर था और 14 मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं। चलते हैं अब देखते हैं। इस समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब हम चले हैं नाडा साहब गुरुद्वारा। धूप चढ़ चुकी है। हम माता मनसा देवी से नाडा साहब गुरुद्वारा की ओर जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 5.5 किलोमीटर मैप शो कर रहा है।
12-13 मिनट का रास्ता, देखते हैं कितना टाइम लगता है। टेम्परेचर चाहे कम है, 12 डिग्री टेम्परेचर है, पर धूप पूरी निकल चुकी है, मौसम साफ हो चुका है, रेड लाइट आएगी। हम वापस जा रहे हैं नंडा साहब गुरुद्वारा की ओर, 4 किलोमीटर शो कर रहे हैं अभी, टाइम तकरीबन 7 मिनट लग सकते हैं, ऐसा गूगल मैप दिखा रहा है। समय हो चुका है 3:20। हम जा रहे हैं नाडा साहब गुरुद्वारा की ओर, यह एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो सन 1688 में पंगानी की लड़ाई के बाद गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी पौंटा साहब से आनंदपुर जाते हुए यहाँ पे रुके थे। इसलिए यहाँ पे ये गुरुद्वारा बनाया गया है। ये शिवालिक की पहाड़ियों के फुटस्टेप पे नीचे की ओर पड़ता है और घग्गर दरिया के कंडे पर स्थित है। हमें सामने पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। साइडों में ऐसे लगता है जैसे जंगल हो। ये घग्गर दरिया ही लगता है, घग्गर दरिया के पुल के ऊपर से हम जा रहे हैं। यहीं पे कहीं गुरुद्वारा साहब स्थित है। लगता है कि हम पहुंचने वाले हैं। हम गुरुद्वारा साहब से 700 मीटर की दूरी पे हैं। अगर हम गुरुद्वारा साहब के इतिहास की बात करें तो यह गुरुद्वारा 10वें पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के
इतिहास से संबंध रखता है। पंगानी की लड़ाई के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी पौंटा साहब से आनंदपुर जाते हुए यहाँ पे रुके थे। यह एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। हम गुरुद्वारा साहब के पास पहुंच चुके हैं। गुरुद्वारा साहब पातशाही दसवीं नाडा साहब पंचकुला हरियाणा। सामने गुरुद्वारा साहब का मेन गेट दिखाई दे। पार्किंग देखते हैं कहाँ पे। हमें बताया गया कि पार्किंग के लिए आगे स्थान है, वहां पे ही हम कार पार्क करेंगे। सामने पार्किंग स्थल दिखाई दे रहा है। हम पहुंच चुके हैं नाडा साहब गुरुद्वारा। हम पहुंच चुके हैं नाडा साहब गुरुद्वारा पातशाही दसवीं। जोड़ा कर हम यहाँ पे जोड़े जमा कराने के उपरांत और टोकन लिया और दर्शन करने के लिए हम जाते हैं। गुरुद्वारा श्री नाडा साहब नाडा साहब गुरुद्वारा में दरबार साहब में हम मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं। मैंने उनसे पता किया था, वो कह रहे थे बाहर से तो वीडियो बना सकते हैं अंदर से नहीं, इसलिए हम अपना कैमरा यहीं पे बंद करके जाएंगे, आपको यहीं से दर्शन करा देते हैं। Sai Mila Sai Mila Sai Mila
हमने गुरुद्वारा साहब की परिक्रमा की। मत्था टेकने के उपरांत हमने कुछ समय के लिए पाठ श्रवण किया, बहुत आनंद मिला। गुरुद्वारा श्री नड्डा साहब पातशाही दसवीं ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े थे। आप दरबार साहब में हम मत्था टेकने ऊपर वापस जा रहे थे। दर्शन करने उपरांत हम वापस जा रहे हैं।
टाइम चाहे 5 बजने वाले हैं पर धुंध पड़नी शुरू हो गई है। टेम्परेचर भी 11 डिग्री टेम्परेचर। स्पीड लिमिट यहाँ पे 80 की है पर ऐसे लगता है जैसे 90 या 100 पे गाड़ी लोग चलाते हैं, थोड़ी सी रैश ड्राइविंग करते हैं। कुछ ऐसे भी होता है जिन्होंने दूर जाना होता है वो ऐसी ड्राइविंग करते हैं। वो सामने टोल प्लाजा नजर आ रहा है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। आज तो जाम दिखाई नहीं दे रहा है, कई बार यहाँ पे आधा पौना घंटा लग जाता है। शाम को गाड़ियों का रश काफी हो जाता है यहाँ पे, आज कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। हम बनूर पहुंचने वाले हैं। अभी तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा मुझे लगता है। हम राजपुरा पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 2 किलोमीटर रह गया इस यहाँ से। धुंध गहरी होती जा रही है पर कैमरे में ऐसे नहीं लगता जैसे धुंध हो ही ना। जाम लग क्या लगता है,
टाइम 5:15 हुए हैं, लगता है 15-20 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। हम पहुंच चुके हैं पटियाला के पास टोल प्लाजे पर। असल में राजपुरे 1 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था, वहां पे तकरीबन आधा घंटा लग गया। छह बजने वाले हैं, अंधेरा तकरीबन होने वाला ही है, लाइटें जल चुकी हैं। अभी यहाँ पे और टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है। शाम के 6:30 हो चुके हैं, अंधेरा हो चुका है और अपनी वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।